वीकली हॉरोस्कोप प्रीव्यू 30 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक प्रीव्यू के अंदर हमारे जो प्रीमियम कंटेंट है उसके सिक्स पार्ट है छः पार्ट है के अंदर हमें कंक्लूजन पार्ट वन एक पार्ट होता है जो आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा ट्रांजिट का पता चले पूरे वीक का कंक्लूजन पार्ट वन कंक्लूजन पार्ट टू क्या आपके उपाय हैं इस पूरे वीक के वो पता आप करना चाहते हैं कौन सी सावधानियाँ प्रिकॉशंस के रूप में आप वो भी पता करना चाहते हैं चैंटिंग मंत्र साधना कौन सी करनी चाहिए पूरे वीक के अंदर ताकि आपका लक्ष्य प्राप्त हो अगर आप सारे कंटेंट को लेना चाहते हैं तो फिर तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर डॉट कॉम कंप्लीट वीकली हॉर्स्कोप की पूरी रिपोर्ट को ले उसको इम्प्लीमेंट करिए अचीव यू बेस्ट चॉइस आपकी है सौर से वाले वीक में केतु सप्तम भाव भी हाँ है पर्सनल रिलेशनशिप हूँ प्रोफेशनल रिलेशनशिप गड़वाहट पैदा ना करें कोई गलत फहमियाँ पैदा ना होने दें रिलेशनशिप फ्लक्चुएट कर सकते चंद्रमा राहुल लगन में है विजन को रिफ्रेश करें ज़्यादा गुस्सा ज़्यादा अहंकार नहीं पलेगा नहीं खलेगा नुकसान देगा विचार करें कंफ्यूजन से बचे इल्यूजन से बचे अपने आप क्लैरिटी को क्लैरिटी ऑफ माइंड होनी बहुत ज़रूरी है सूर्य मंगल चौथे भाव में हर बात पे भड़क ना जाए हर बात पे गुस्सा ना करें ओवर रिएक्शन आपको बर्बादी का कारण बनेगा बृहस्पति दशम भाव में बिजनेस प्रोफेशन के डिसीजन सोच समझ के बनाएगा टॉरस वीकली कंक्लूजन कंक्लूजन पार्ट वन ईशानों वाले वीक में आपकी अचीवमेंट उस तरह की नहीं होगी जिस तरह की आपकी एक्सपेक्टेशन है केवल अचीवमेंट आपकी कम होगी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होगी चौरस कई बार आप बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे बड़े अपसेट होंगे बड़े अनॉयड होंगे लेकिन इस समय अपने आप को बहुत बड़े लड़ाई झगड़े से दूर रखी लेकिन वो लड़ाई झगड़ा आपके अपने लोगों के साथ होगा आपको अपने विजन को अपग्रेड करते रहना होगा रिफ्रेश करते रहना होगा ड्राइव और डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा आपके एक इस रफ फेस के अंदर आप जा सकते हैं जिसमें फजूल की बातों पे बहस होगी प्रोफेशनों के तौर पे भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन को जूझना पड़ेगा पैसे को लेकर भी बड़े इशू होंगी फजूल की भागदौड़ बहुत होगी कई बार मन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी होंगी इस समय अपने आप को एक्सीडेंट से बचा के रखें कई बार आप बहुत ज़्यादा वरिड होंगे अपसेट होंगे अपने विजन को रिफ़्रेश करते रहें दिमागी तौर पे बैलेंस रखें अपने आप को जितना आप एक्टिव क्रिएटिव डायनामिक होंगे उतना आप अचीव राइज करेंगे उतना आप अचीव करेंगे बहुत प्रैक्टिकल बनेंगे और अपने आप को बैलेंस स्टेट में रखें ओवर इमोशनल ना हो अपने आप को वनरेबिलिटी में ना लेके आए अगर आप चाहें कम्पलीट विकल्लेस्कोप की रिपोर्ट जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट प्रकाश एस्ट्रॉलोजर डॉट कॉम कम्प्लीट विक्लेस्कोप की रिपोर्ट लें जो बताएगी आपके चंद्रमा के गोचर का फल जो बताएगा आपका विजन आपकी इमेजिनेशन आपके डिसीजन आपकी चॉइसेस, आपकी हेल्थ आपकी हार्मोनी आपकी हैप्पीनेस कैसी रहेगी है। कंप्लीट विक्लेस्कोप की रिपोर्ट बताएगी इस आने वाले वीक में वो ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए अगर आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हो ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो आपको कर लेनी चाहिए ताकि आपकी प्रॉब्लम बढ़े ना वो ऐसी कौन सी मंत्र है जो सेवन डेज के अंदर जिसकी उपासना करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही सकते हैं अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा हमारी वेबसाइट प्रकाश ऑस्ट्रॉलॉजर डॉट कॉम कंप्लीट विक्रिया रिपोर्ट लें उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट